नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल्ड ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे ठीक सामने खड़ा है ट्रक और आपको हम इस वीडियो में ट्रक को चलाने के हम कुछ टिप्स बताएंगे और कैसे एक ट्रक को चलाया जाता है, ABC एसेसरी जो होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है और गियर लीवर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब आपको इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक जरूर करना और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले एक्सीलेटर दिया हुआ है। यहाँ पर एक्सीलेटर, आप इसको रेस पैडल भी बोल सकते हो, ये बिल्कुल आपके राइट साइड पर होगा और सेंटर में आपके यहाँ पर ब्रेक होंगे। यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर जो HCV और LCV ICV ट्रक्स होते हैं उसमें आपको प्रेशर ब्रेक्स मिलते हैं और कार्स में आपको सिंपल ब्रेक्स ABS EBD के साथ यहाँ पर मिलते हैं। और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लच दिया हुआ है। यहाँ पर क्लच जो ट्रक्स में आता है वो क्लच बूस्टर के साथ आता है, कारों में भी आजकल ट्रक क्लच बूस्टर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ABC एसेसरी हम इसको बोलते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, ये तीनों पैडल सामने दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग मिलेगा। एक बार मैं आपको जरूर आपको एक बार ध्यान में रखना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अगर आप ट्रक चलाएं तो क्या होता है, जो साइड मिरर्स हैं, साइड मिरर्स आप अपनी हाइट के हिसाब से बिल्कुल सेट कीजिए और जो सीट एडजस्टमेंट आगे और पीछे वो भी बहुत जरूरी बन जाती है। और हैंड ब्रेक का बहुत ही आप ध्यान रखिए भी, हैंड ब्रेक गाड़ी की आपके पास सेफ्टी के लिए दी हुई है और उसका भी आप ध्यान में रखिए। और चलिए हम आपको इसका बारीकी से इसके सारे पॉइंट्स आपको कवर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैं ड्राइवर सीट पर बिल्कुल बैठ चुका हूँ और स्टेयरिंग है जो हम आगे और पीछे ऊपर नीचे और यहाँ पर अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से जैसे मुझको मेरी हाइट के हिसाब से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और सीट है जो वो भी मैं आगे पीछे बिल्कुल सही अपने हिसाब से यहाँ पर कर रहा हूँ और साइड मिरर्स मैंने बिल्कुल सेट कर लिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हैंड ब्रेक दी हुई है लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर देख सकते हो आप ऑन, अगर आप ऊपर की तरफ रखेंगे इसको ऑन होती है और यहाँ नीचे अगर हम छोड़ेंगे तो यहीं पर ये ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो ऑफ का बटन भी लगा हुआ है। जो टाटा के दूसरे ट्रक्स हैं उसमें आपको राइट साइड पर मिलती है, यहाँ पर जो काउल चेसिस है राइट साइड पर मिलती हैं और जो लेलैंड के हैं उस पर आपको राइट साइड के आपके पीछे तरफ यहाँ पर मिलती है। और चलिए हम गियर लीवर की बात करते हैं। तो गियर लीवर में आप देख सकते हो यहाँ पर गियर में आप देख सकते हो टोटल आगे की तरफ आपको 3 गियर आगे ऊपर की तरफ मिलेंगे और 4 गियर आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। उसमें आपको एक रिवर्स गियर मिलेगा, इसमें आपको रिवर्स गियर 1 और फॉरवर्ड गियर आपको 6 गियर साथ में मिलेंगे। लीवर जो आप देख सकते हो आपको इतना नॉलेज हो, ऊपर गियर डलते हैं और फिर सेंटर आता है, फिर नीचे गियर आते हैं, तो जो सेंटर में होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। तो जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो न्यूट्रल में स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, हमने इग्निशन स्विच लगाया हुआ है और सामने डैशबोर्ड में N आ रहा है और जैसे ही हमने यहाँ पर देख सकते हो आप गियर डाला और वो N चला गया। अगर गियर हम न्यूट्रल करेंगे तो वो आ चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो आगे की तरफ आपको जो पहला गियर मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप जैसे न्यूट्रल किया है और बिल्कुल उस साइड से हम आगे की तरफ गियर लगाएंगे, पहला गियर ये हमारा लग चुका है। और इसी प्रकार से हमने क्लच दबाकर ही यह गियर लगाना है और अगर दूसरा गियर डालना है तो क्लच दबाकर फिर दूसरा गियर डलेगा। अगर बैक गियर डालना है तो हमको बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा तो बैक गियर रिवर्स गियर लग जाएगा और उसके बाद तीसरा गियर आपको ऊपर की तरफ, फिर उसके नीचे फोर्थ गियर और फिर राइट साइड ऊपर आपको फिफ्थ गियर और फिर राइट साइड सिक्स्थ गियर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये प्रैक्टिस आपको बिना गाड़ी स्टार्ट किए करनी है। जैसे ही आप देख सकते हो गाड़ी हमने न्यूट्रल की और हम क्लच दबाएंगे, क्लच हमने दबा लिया और पहला गियर हम डाल लिया गाड़ी में और थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर हम दबाएंगे और क्लच छोड़ेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे देख सकते हो आप। और इसी प्रकार से जो हमने जो लेफ्ट मेरा पाँव है यहाँ पर देख सकते हो उसको हमने सिर्फ क्लच के लिए रखना है, जो एक्सीलेटर और ब्रेक है उस पर हम राइट लेग से हम कंट्रोल करेंगे। और जैसे ही हमने ब्रेक लगानी है तो यहाँ पर हम एक्सीलेटर छोड़ दूंगा और ब्रेक पर एकदम पाँव लगाऊंगा और थोड़ा सा क्लच भी डाउन करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसी प्रकार से आपने जब दूसरा गियर डालना है क्लच दबा लेना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है और यहाँ पर क्लच दबाया, यहाँ पर देख सकते हो और क्लच को छोड़ना है, एक्सीलेटर फिर दबाना है। इसी प्रकार से आपको ये स्पीड मैनुअल्स होती हैं, जैसे आप
थोड़ी स्पीड आपकी जब गाड़ी 20 की स्पीड हो जाती है 20 किलोमीटर पर आपकी, तो आप दूसरा गियर चेंज कर सकते हैं। जब 30 की हो जाती है तो आप तीसरा गियर, और इसी हिसाब से आपको गियर चेंज। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपका फर्स्ट गियर चल रहा है, मान के चलिए फर्स्ट गियर चल रहा है, क्या होता है आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, दूसरा गियर लगाने की वजह से आप सोचते हैं हमारा बैक गियर तो नहीं लग जाएगा। ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती, बैक गियर कभी भी नहीं लगता गाड़ी में। यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो सिस्टम बनाया होता है गियर बॉक्स का, उसमें बैक गियर चलती गाड़ी में बिल्कुल नहीं लग पाएगा, तो आप ये दिक्कत भूल जाइए। और चलिए हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो की है, यहाँ पर देख सकते हो आप की को हमने यहाँ पर पॉइंट किया लॉक में, और यहाँ पर देख सकते हो आप ऑन किया, उसके बाद इग्निशन ऑन हो चुका है गाड़ी का। यहाँ पर देख सकते हो लाइट्स वगैरह आ चुकी है, जो मीटर्स यहाँ पर देख सकते हो वर्क करते हैं। और जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो सेल्फ लगाएंगे, तो गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो, और गाड़ी न्यूट्रल है और हम सेल्फ लगा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, और चलिए हम सबसे पहले हम फर्स्ट गियर हम गाड़ी में डालते हैं। हैंड ब्रेक देख सकते हो हमारी ऑफ है, और फर्स्ट गियर हमने यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट गियर डाल दिया है। और अब मेरे नीचे पाँव में आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर देख सकते हो मैं क्लच जो ये वाला लेफ्ट पाँव है उसमें मैं क्लच छोड़ रहा हूँ, और एक्सीलेटर थोड़ा सा दबा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, और गाड़ी हमारी जार चल रही है। और स्टेयरिंग का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, स्टेयरिंग आपके हाथ में होता है, तो स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट डैशबोर्ड आपका कितना दूर है वो आपको एक अपने मन में विचार बनाए रखना पड़ता है कि हमारा डैशबोर्ड, और दूसरी बात कि हमारी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से ना टकरा पाए, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप क्लच मैंने छोड़ दिया, और एक्सीलेटर, अगर हमने ब्रेक लगाना है तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर ऐसे ब्रेक लगा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने ब्रेक लगा कर फिर क्लच दबाना है, और क्लच और ब्रेक एक साथ नहीं दबाना है ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो पाए। ये आप दूर ध्यान में रखना कि आपकी गाड़ी ज़्यादा एकदम क्लच छोड़ने पर गाड़ी बंद हो जाती है, तो वो आपको प्रैक्टिस गाड़ी स्टॉप कर बिना गाड़ी स्टार्ट किए ही करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देख सकते हो आप एक्सीलेटर, ऐसे ही आपने दूसरा गियर डालना है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा गियर हमने डाल लिया, और क्लच हम बिल्कुल आराम से छोड़ेंगे और एक्सीलेटर आराम से दबाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ये गाड़ी हमारी मूव कर रही है, और बैक साइड देख सकते हो हमारी बिल्कुल विजिबल है, और आगे वाली गाड़ी से हमें कितनी दूरी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो आप जो हमारा ये डैशबोर्ड है आगे, यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा आई पॉइंट है, जैसे मैं देख रहा हूँ मेरे आई से, मैं ड्राइवर सीट पर बैठा हूँ, आई पॉइंट पर जो मुझे नीचे वाला बम्पर है किसी भी गाड़ी का, जब वो मुझे दिखना बंद हो जाए तो समझ लीजिए हमारी गाड़ी सेफ पोजिशन पर दूसरी गाड़ी के सामने पहुंच चुकी है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक मिरर भी होता है, यहाँ ये भी आपको दिखाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप कितनी दूरी हमारी बनाई हुई है, और तकरीबन 4.5 फीट 5 फीट की दूरी अभी बाकी है, तो बिल्कुल सेफ पोजीशन पर गाड़ी खड़ी है। इसी प्रकार से जब हम गाड़ी रिवर्स में लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो हमारी गाड़ी अभी न्यूट्रल है, यहाँ पर न्यूट्रल का साइन देख सकते हो आप, और जब हम गाड़ी में रिवर्स गियर डालते हैं ऐसे डालेंगे, यहाँ से पीछे क्लच हमने दबा लिया, उसके बाद ही न्यूट्रल रिवर्स गियर हमने डाल लिया, और यहाँ पर देख सकते हो आप क्लच हम छोड़ रहे हैं और एक्सीलेटर हम दबा रहे हैं, गाड़ी पीछे की तरफ यहाँ पर जा रही है। पीछे जाने के टाइम देख सकते हो आप, उस मिरर से भी आप देख सकते हो कंट्रोल्स कैसे हमारे कंट्रोल्स रहते हैं, साइड्स कैसे, साइड प्रोफाइल का क्या व्यू है, और इसमें आप देख सकते हो साइड कोई पीछे कोई है तो नहीं, और यहाँ पर देख सकते हो आप हम स्टीयरिंग को भी अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। ये आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है गियर्स की, क्योंकि जब भी हम गियर्स लगाते हैं तो एकदम गाड़ी बंद होने के चांस रहते हैं। क्लच हम एकदम ऐसे, अब मान के चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो रॉन्ग पोजीशन होती है, जैसे हम पहला गियर हमने लगा लिया और क्लच और एक्सीलेटर हम दबाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर देख सकते हो, और एकदम झटका मारती है, कई बार स्टॉप भी हो जाती है, तो ये आप पोजीशन में बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना, क्लच बिल्कुल आराम से छोड़ना है और एक्सीलेटर बिल्कुल आराम से दबाना है, उसी प्रकार से आप एक अच्छे ड्राइवर बन पाएंगे धीरे धीरे। ये आपको प्रैक्टिस कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन करनी पड़ती है, रोज आप
10 से 15 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमारी दूरी बिल्कुल ठीक बन चुकी है। और जैसे ही आपने गाड़ी स्टॉप करनी है तो गियर से आप निकाल कर आपको न्यूट्रल में गाड़ी लानी पड़ेगी, और उसके बाद आपको हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको इग्निशन से गाड़ी बंद करनी पड़ेगी। दो तीन बातें आपको हम ध्यान में जरूर रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको जो गाड़ी है, जो हम ट्रक चलाना चाहते हैं, उसके आपको चारों तरफ घूमी है, कोई नीचे कोई आपको जानवर कोई और ऊपर कोई आपको कोई तार वगैरह कोई आपको दिक्कत नहीं दे रही, उसी प्रकार से आप ध्यान में रखकर ही गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो फ्रंट मिरर है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, अच्छी तरह साफ होना चाहिए। विजिबिलिटी है जो उसकी वो पूरी अच्छी तरह से होनी चाहिए, ड्राइवर साइड भी और कंडक्टर साइड भी। अगर आप ड्राइवर अकेले ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि कंडक्टर साइड जो मिरर दिया हुआ है वो बिल्कुल सेफ रहे, और यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टर साइड बिल्कुल आराम से यहाँ पर आप देख पाएँ और उसी हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर पाएँ। गाड़ी चलाने से पहले ये ना हो कि आप गाड़ी स्टार्ट कर रही है और उसके बाद आप हाथ से उसको ठीक कर रहे हो, जो पहले ही ये काम आपको कर लेना चाहिए। ड्राइवर साइड भी आप यहाँ पे हाथ से आप मूवेबल इजीली आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर पाएंगे। ये बातें आप बुजुर्ग में ध्यान में रखिए। ये थी हमारी वीडियो, ट्रक चलाना आप सीख चुके होंगे, और एक बार हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।